सेल्फ डिफेंस की तैयारी करें, यहाँ पे पार्टिसिपेट करें। यहाँ पे थाउजेंडों में बच्चे अभी है, इससे भी कहीं ज़्यादा। तो मैं उन सबको बोलना चाहती हूँ आप यहाँ पे आए, और जैन के पुलिस को भी मैं शुक्रगुजार बोलना चाहती हूँ, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारी हेल्प की है और अभी भी ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मैं उनको बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ, और हर साल ये फंक्शन करें। वैसे तो मैं टाइकोंडो खेलती हूँ, और जो बाकी गेम्स की बात है उनसे भी बहुत फ़ायदेमंद, वो भी बहुत फ़ायदेमंद है। और जो मुझे अपनी अपने गेम का ये मतलब है टाइकोंडो, उससे मतलब वुमेंस एम्पावरमेंट बहुत होता है, और ये वुमेंस के लिए, वुमेंस की हरासमेंट जो होती है आजकल की सोसाइटी में, वो टाइकोंडो से बहुत मतलब बचाव कर सकते हैं वो एक दूसरे के लिए। मतलब सोसाइटी में बहुत हरासमेंट होती है गर्ल्स पे, और अगर गर्ल्स कुछ करते भी नहीं है फिर भी उन पर उंगली उठाते हैं, मतलब वो बहुत गलत है। इसलिए मैंने मतलब टाइकोंडो ज्वाइन किया, ताकि मैं, एक तो मुझे अपना शौक है, और दूसरी बात ये कि मैं कहीं किसी भी जगह कॉन्फिडेंस के साथ जा सकती हूँ। पिछले कई जब से हालात नागुतगे हो गए, हमारी कोशिश है कि जो जवान हैं, बच्चे हैं, उनका उनकी एनर्जी जो है पॉजिटिव वे में चैनलाइज किया जाए। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का। हर साल ये स्पोर्ट्स फेस्टिवल थ्रू आउट जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हो जाते हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट लेवल के बाद फिर रेंज लेवल पर हो जाते हैं, जहाँ डी आई जी साहिबान इसका इनका करते हैं। उसके बाद जोनल लेवल पर आई जी साहिबान जो दो हैं जम्मू और श्रीनगर कश्मीर के, वो करते हैं। और मकसद ये होता है कि एक तो इनकी एनर्जी को चैनलाइज किया जाए पॉजिटिव वे में, और दूसरा कि इसमें जो बेस्ट टैलेंट है, स्पोर्ट्स टैलेंट, उसको उजागर करके उसका जो प्लेटफार्म है आगे बढ़ने का, उसमें उसकी आनत और उसकी मदद की जाए। दैट इज़ द बेसिक आइडिया।